दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी धुली हुई सुबह। शिफाली की ऊंची हील्स की आवाज दोबारा मेरे कानों में पड़ी। अभी तो नीचे गई थी, फिर ऊपर आ गई। मैंने पूजा घर का दरवाजा धीरे से खोला और नजर हॉल में दौड़ाई। शेफाली सीधे अपने कमरे में घुसी और अपना काला चश्मा पहनकर निकल ही रही थी कि मैंने टोक दिया। आज फिर मीटिंग है बहू? हाँ माँ, शाम हो जाएगी आते आते, कहकर उसने पर्स से आईना निकाला और अपनी लिपस्टिक जांच कर निकल गई। मैंने खिड़की का पर्दा हल्के से सरकाया, नीचे वही सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। इन दिनों शेफाली का इस गाड़ी में आना जाना बढ़ गया था। अब मैं ठहरी सांस, सीधे सीधे पूछ लूँ तो कहेगी कि आपको इतना भी भरोसा नहीं अपनी बहू पर? घर की इकलौती कमाती सदस्य से ऐसे सवाल पूछूं भी तो कैसे? बेटा होता तो उसके कानों में बात डाल देती, फिर वो और उसकी बीवी जाने। लेकिन रमन को जाकर अब लगभग 2 साल हो गए थे। उस रोज से नर्मदा और जबलपुर दोनों से मन उब गया था। समधी जी ने अपने पास पुणे बुला लिया, कहा यहाँ मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, ऐसे समय में काम नहीं आएंगे तो क्या मतलब है रिश्तेदारी का? नया नया तो बड़ा अच्छा लगा ये शहर, पर फिर मैं ठहरी सनातनी विचारों वाली औरत। समधी के घर में पड़े रहना अखड़ने लगा था। हालांकि उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया। तीज त्योहार के अलावा बहुत आना जाना नहीं किया, फोन पर जरूर मेरी खोज खबर लेते रहे। बेटी तो आते जाते भी मिल लेती होगी, अब हर बात थोड़े कोई सास को बताता है। पिता ने बेटी को यहाँ कोई वेडिंग प्लानर्स वाली जॉब दिलवा दी, नातिन का स्कूल में दाखिला कराया। दौड़ भाग करने वाले वही लोग थे अब। मैं तो जैसे उनके बोझ तले दबती जा रही थी। रमन के पापा होते तो मजाल थी कि किसी के कंधे पर किसी काम का बोझ पड़ने देते, बहू और पोती को पलकों पर बिठा कर रखते। हाँ, वो होते तो रमन को लव मैरिज नहीं करने देते, अड़ जाते बिल्कुल। मैं तो पोता पोती के सुख के सामने ठंडी पड़ी रही। आज पूजा में मन नहीं लगा। बालकनी में बहुत देर तक उसी सफेद गाड़ी की दिशा में देखती रही। मीरा अभी 16 साल की थी। क्या शेफाली को अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल न रहा? इनका जन्म जन्मांतर का प्यार 2 साल में हवा हो गया, भूल गई वो रमन को? मैं शाम तक कुटती रही। रात को खाने की टेबल पर भी मैं चुप्पी साधे बैठी रही। मीरा ही स्कूल की बातें करती रही। हमें ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रोजेक्ट मिला है, उन्होंने विडोज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे, मीरा बोलती रही। मैं काफी देर तक दाल में चम्मच घुमाती रही। शेफाली ने मेरी चुप्पी भांप ली थी पर कहा कुछ नहीं। मीरा ने मुझसे कहा, दादी आप मेरी हेल्प करेंगी ना? अपनी माँ से पूछ लेना, वही बेहतर जानती हैं, कहकर मैं थाली से उठ गई। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से ताना निकल गया था। शेफाली ने थालियां उठाकर रख दी। वो देर तक रसोई समेटती रही, मैं बिस्तर पर पड़े पड़े करवट बदलती रही। सुबह सुबह उसकी आहट सुनी तो मैंने दीवार की ओर करवट ले ली। उसने कंधे को छूकर उठाया, माँ आपकी शुगर चेक कर लूँ? मैं बेमन से ही बिस्तर पर उठ बैठी। उसने उंगली में सुई चुभाई तो मैं जानबूझ कर कराह उठी। ज़्यादा चुभ गई माँ? उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा। मैं पल भर को उसकी सूरत निहारती रही। कैसे रमन के जाने के बाद संजीदगी छा गई थी इस लड़की के चेहरे पर। अभी 3 साल पहले ही मेरे जन्मदिन पर बिल्कुल हंगामा कर दिया था बच्चों ने। रमन के पीछे पड़ी रही कि माँ को सिल्क वाली साड़ी दिलवा दो। माँ बेटी ने पूरा घर सजा दिया था, केक भी उसी ने बनाया था। केक काटने के बाद जिद पे अड़ बैठी कि कम से कम एक गाने पर तो आपको झूमना ही होगा। रमन के बाबा थे तब तो आप कथक सिखाती थी, अब क्यों लजाती हो? लड़की ने नचा कर ही दम लिया। जिद पर अड़ बैठे तो सब कुछ कर जाए। रमन के टाइफॉइड के समय मुझे याद ही नहीं आता कि सोई भी होगी ये लड़की किसी रात। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन का लजाना शर्माना तो हमने देखा ही नहीं। बेबाक ठहाके की ऐसी हंसी गूंजती थी घर में कि मिश्राइन पूछने चली आती थी, नई बहू के बड़े ठहाके सुनाई देते हैं भाई मोहल्ले में। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती ना मिश्रांटी, जवाब देके वो उनको चुप भी करा देती। एक ओर मैं गर्व से भर जाती क्योंकि आज तक ये जवाब देने की हिम्मत मुझ में तो नहीं आई थी। कम से कम अब बहू तो जवाब देगी, पर दूसरी ओर मन ये भी कहता कि इतना बेबाक होना क्या सही है।
पल्ला दुपट्टा ओढ़ने की जिद तो हमें थी भी नहीं, पर कम से कम नई बहू की शालीनता कुछ दिन तो देखने को मिलती। पर नहीं भैया, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, पति है। उसे सास ननद के सामने डार्लिंग बुलाना क्या शोभा देता था? बात की खबर और खबर की अफवाह बनते देर लगती है क्या मोहल्ले में? शायद संक्रांति ही होगी, मैंने उसके लिए नई बिछिया बनवाई थी। पूछने लगी, माँ ये बिछिया क्यों पहनती हैं सुहागन औरतें? भाई हमें तो माँ ने सासू ने कहा तो हमने पहन ली, कहते हैं लड़कियाँ उड़ नहीं पाती बिछिया के वजन से, कहकर मैंने उसकी उंगली में कस दी। अब उसे बिछिया उतारे 2 साल होने आए थे, उड़ने की सहूलियत हो गई थी, ससुर जेठ का डर नहीं था, पर अपनी खुद की बुद्धि भी कैसे इजाजत देती है तुमको? माँ शुगर बढ़ी हुई है, आप दोपहर की दवा टाल तो नहीं रही हैं? उसने ग्लूकोमीटर दिखाते हुए कहा। अब जी कर करूँगी भी क्या, न पति न बेटा, बिन पहिए की गाड़ी कब तक धकेलूँ? मैंने जो जी में आया कह दिया। बहुत हिम्मत की कि उससे पूछ लूं कि ये सफेद गाड़ी वाला कौन है, पर ये पूछने का हक है या नहीं इसी उधेड़बुन में नहीं पूछ सकी। उसने मुझ पर ऐसे आंख गड़ाई जैसे पूछ रही हो और मैं कोई नहीं, आपकी पोती कोई नहीं। नीचे से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। गाड़ी वाले ने बराबर इशारे में 3 बार हॉर्न बजाया। शेफाली कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने पूछ ही लिया, कोई आया है बहू? हाँ ऊपर ही ले आती हूँ माँ, कहकर वो चली गई। मेरा दिल बैठने लगा, मैंने साड़ी संवारी, बालों में कंघी फेरी और हॉल में आकर जम गई। सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं सिंगल वाले सोफे से उठकर 3 सीट वाले सोफे पर बैठ गई बीचों बीच। शेफाली अंदर आई और उसके पीछे पीछे एक आदमी दाखिल हुआ, लगभग 38-40 का होगा, रमन की ही उम्र का, ऊंचा लंबा कद था, दाढ़ी बाल में हल्का सफेद रंग उभरने लगा था। पास आकर मेरे पांव छुए तो मैंने सर पर हाथ रखा पर कहा कुछ नहीं। शेफाली ने आगे बढ़कर कहा, माया शेखर है, हम साथ ही में काम करते हैं, पापा ने इन्हीं से कह के नौकरी लगवाई थी मेरी। मैंने एक मुस्कुराहट दोनों की तरफ फेंक मारी। मीरा ने पानी लाकर दिया और रसोई की चौखट से देखती रही। दोनों ने इशारों में हाथ हिलाए, मैं समझ गई कि मीरा भी इसे जानती पहचानती जरूर है। शेफाली रसोई से नाश्ते की प्लेट में समोसे ले आई, चाय वो चढ़ा चुकी थी इसीलिए सुबह से रसोई में बर्तन बज रहे थे। मेरी नींद उचट गई थी उस शोर से, यानी सब कुछ तय हुआ था, अब मुझे बड़ी खीज आ रही थी। मैंने गुस्सा निकालने की तरकीब ढूंढ निकाली, तुम्हारी शादी हो गई बेटा? वो सकपका गया, प्लेट रखते हुए बोला, जी हो गई थी पर अब मैं सिंगल ही हूँ। ओ बीमार थी पत्नी? मैंने कुरेदना शुरू किया। शेफाली की नज़रें ज़मीन की ओर गड़ी हुई थीं। जी डिवोर्स हो गया था। पल भर को सन्नाटा छाया रहा, मानो सबके गले में समोसे फंस गए हों। तुम लोगों को फास्ट फूड की ना आदत हो गई है, मैंने सारी खीज उड़ेल दी। दोनों ने मेरी ओर बड़ी सवाल भरी नज़रों से देखा तो मैंने बात टाल दी, समोसे की जगह कुछ और बना लेती। उसके बाद काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। इसी चुप्पी में सब ने चाय पी ली। शेखर ने जाते जाते दोबारा पांव छुए पर फिर भी मन से आशीष नहीं निकला। मैं उठकर पूजा घर में चली गई और गाड़ी जाने की आवाज़ का इंतज़ार करती रही। लगभग 15 मिनट बाद वो चला गया होगा। रोज़ ही तो मिलते हैं, इतनी क्या बातें होती होंगी करने के लिए? काम की तो बातें कर लो और रफा दफा करो, पर नहीं, हम पर ही दखियानूसी सोच का इल्ज़ाम लगा देंगे। शेफाली पांव बजाते ही ऊपर आई और सीधे मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने आंखें चुरा ली, अपराध भाव से नहीं, पर वो जो बात करने वाली थी उस बात से जी घबरा रहा था। जरा अपनेपन से ही बात कर लेती आप उससे। शेफाली ने रुई उठाई और हथेली पर बाती बेलने लगी। क्यों भाई, मैंने कौन सा अपमान किया तुम्हारे दोस्त का? बिन बुलाए मेहमान को मैं कितनी और आत्मीयता दिखाती, मैंने सोचा। शेफाली ने मेरा हाथ थाम लिया। माँ उसका कोई नहीं है, न माता पिता, न घर गृहस्थी, न बाल बच्चे। सोचा था यहाँ उसे थोड़ा प्यार मिलेगा, गोद में लेके घूमूं उसे। अब मैं लड़ने के मूड में आ गई थी। तुम्हारा मेहमान था, तुम जानो, मुझसे कैसी उम्मीद भाई? मेरी बात सीधे उसके दिल में चुप गई। वो एकदम से उठ खड़ी हुई और दरवाजे तक निकल गई थी, फिर न जाने क्या सोचकर मुड़ गई। हम शादी करना चाहते हैं मां। वो रात बड़ी भारी गई। पहले तो काफ़ी देर करवट बदलती रही,
एक दो बार उठकर पानी भी पिया, बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई। जैसे तैसे 3 बजा दिए। धीरे धीरे मन में उठते ख्याल ठंडे पड़ने लगे, आंख लग गई। सुबह कार के हॉर्न की आवाज से नींद टूटी। आज कराग्रे वसते लक्ष्मी का भी मन नहीं था। वैसे ही उठकर मैं बैल्कनी में आई तो सफेद गाड़ी का बस धुआं नजर आया, मानो मेरे मुंह पर कालिख पुत गई हो। रात भर मन में कई डर घूमते रहे, शंका आशंकाओं का डेरा रहा, पर अब केवल गुस्सा था। मैंने सीधा समधी जी को टेलीफोन घुमाया और कहा कि मेरा जबलपुर का टिकट कटा दीजिए। वो भी अचंभित रह गए कि एकदम से जबलपुर का बुखार काय चढ़ गया। मैंने फोन पर बात करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने शाम की चाय पर मिलने का आश्वासन दिया। वो बड़ी देर तक चाय की प्याली को देखते रहे, कुछ कहते भी तो किस मुंह से। पत्नी के बिना बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया, वर भी वो अपने मन का ना चुन सके, पर शादी में जरा भी कमी नहीं महसूस हुई। रमन को उन्होंने पूरे मन से अपना लिया था। उनके हमारे रीति रिवाजों में इतना अंतर होते हुए भी रमन और मुझसे पूछ पूछ कर सारी व्यवस्था करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। रमन के समय में तो होश में ही नहीं थी। शेफाली और मीरा भी सदमा खा चुकी थी, पर ऐसे में 85 कागज पत्तर लाना, सारे कार्य विधिवत पूरे करना, आने जाने वाले को सौंफ सुपारी थमाना, सारे काम उन्होंने संभाले थे। आज हम दोनों ही बड़े मायूस बैठे थे। यूं लग रहा था मानो बच्चों ने अपनी जिम्मेदारी से ही हमें मुक्त कर दिया था। सारे हक अधिकार सब धरे के धरे रह गए थे। घर में दाखिल होते ही शेफाली ने सन्नाटा भांप लिया। मीरा स्कूल से आते ही हम दोनों के आसपास मंडराती रही, पर अब शेफाली ने उसे अंदर जाने को कह दिया। उसके पिताजी ने ही बात छेड़ी। ये शेखर वाली बात इतनी आगे बढ़ गई है तो तूने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? उनकी आवाज़ में हताशा थी। शेखर वाली बात? यानी पिता को भी पता था कि इस आदमी से मिलना जुलना है शेफाली का, बस सास को ही अंधेरे में रखा गया। शेफाली ने दोनों हाथ बांध लिए, नजरें पल भर को झुका लीं, फिर खुद ही अपने पापा से कहने लगी, याद है आपको फेरों के पहले जब आप चुपके से पानी पूरी ले आए थे मेरे लिए? मुझे देख के आपने कहा था कि आज मैं बिल्कुल माँ जैसी लग रही हूँ। आपने ये भी कहा था कि तूने तो कभी माँ की सूरत देखी ही नहीं है, पर अब तुझे सास के रूप में माँ मिल रही है, याद है आपको? समधी जी शून्य में देखते रहे। शेफाली आगे बोलती रही, इसलिए जब यह ख्याल मन में आया तो सोचा कि सबसे पहले माँ को बताऊं। बिना हिसाब किताब किए शेखर को सीधा घर बुला लिया, पर मां के चेहरे पे इतना शक, इतनी घृणा थी कि मैं कुछ कह नहीं सकी। उसने एकदम मेरा हाथ थाम लिया। कैसे कहती मैं अपने मन की बात आपसे? मुझे खुद नहीं पता था कि उसको क्या करना चाहिए था, मैं बस गुस्सा निकाल रही थी। ये कोई तरीका होता है बेटा? बस यूं ही एक दिन अचानक उसको ले आई? माना कि यह बड़ा शहर है, पर क्या यहां भी अड़ोस पड़ोस वाले बातें नहीं बनाते होंगे? देर रात वो सफेद गाड़ी में तुमको छोड़ जाता है, अच्छा लगता है क्या? इसी डर से मैं आजकल पार्क भी नहीं जाती हूँ भाई साहब। किसी ने पूछ लिया कि बहू कहाँ घूमती है तो क्या जवाब दूंगी मैं? अरे रमन को गए हुए अभी बस 2 ही हुए हैं, क्या इतनी जल्दी तुम्हारे मन से उसका प्रेम, उसका लगाव सब खत्म हो गया? औरतें दुख में जीवन बिता देती हैं। इनके जाने के बाद एक चटकीला रंग नहीं चढ़ा मेरे बदन पे। तुम सिंगार करके, चश्मा लिपस्टिक लगा के निकल जाती हूँ, मैंने कहा कभी कुछ? तुम लोगों के घूमने फिरने मौज मस्ती पे रोक लगाई है मैंने? आजादी की भी हद होती है बहू, रमन होता तो कुछ कहता, मैं क्या कहूं? अब जाकर मन का गुबार शांत हुआ। मैंने गहरी सांस ली। वो दोनों मुझे देखते रहे। सब तो कह दिया आपने मां? उसने अपने आंसू बड़ी ताकत लगाकर आंखों में ही रोक लिए थे। आप अपना ही मन टटोल कर देखिए ना कि इस नाराजगी की असली वजह क्या है। शेफाली उठकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे तले आती रोशनी में उसका साया कमरे में चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा था। अगली सुबह न कोई सफेद गाड़ी आई, न कोई धुआं उठा। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, पर आहटें सुनती रही। रसोई में छौंका लग रहा था, बर्तन धुल रहे थे। कदमों की आहट हुई तो मैं दीवार की तरफ मुंह फेर कर लेट गई। मीरा ने मुझे उठाया और शुगर चेक करने लगी। उसने ग्लूकोमीटर देखा और डांटते हुए कहा, 200 है, आज नीम का रस पिलाऊंगी। मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई।
शेफाली स्कूटर निकाल रही थी। उसने सफ़ेद सा कोई उजड़ा रंग पहन रखा था। आज हाई हील्स नहीं थे। उसको जाते हुए देखकर मन में न जाने क्यों एक पीड़ उठने लगी। मन में सवालों का बवंडर सा उड़ने लगा था। क्या वाकई मेरी बात का इतना असर हो गया था, या बस दिखावा कर रही है ताकि मेरा मन बदल जाए और मैं इनकी शादी के लिए हाँ कह दूं? न जाने मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही थी। टेलीफोन की घंटी ने सारे विचारों को तोड़ गिराया। समधी जी की आवाज भारी हो गई थी। क्या पता गई रात उन्होंने किस दुविधा में काटी होगी। कहने लगे, मैं पिता हूं गायत्री जी, आपका मन समझता हूं, पर बिटिया का मन समझना भी अपनी जिम्मेदारी है। इतने सालों में आपने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, आज भी उसे अपना लीजिए। बेचारी दोबारा अनाथ महसूस करने लगी है। आप औरत हैं, उसका मन बेहतर समझती होंगी। वो दोनों ही टूटे हुए आधे अधूरे लोग हैं, मिलके जुड़ जाएंगे। इस अधूरेपन को हम दोनों से बेहतर कौन समझ सकता है, कहिए। बेटी आपको सौंप दी थी, आपकी हो गई है। अब आप मां बनकर जो भी फैसला करेंगी मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो भी कुछ नहीं कहेगी। बस मन पर कोई बोझ मत रखिएगा। उन्होंने फोन रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उलझी हुई फूल मालाओं का गुच्छा दे दिया हो। बिना कोई फूल तोड़े ही सुलझाना था। बालों में कंघी फेरते हुए मैं आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को ही निहारती रही। सफेद बेनूर माथा, कितना उदास लग रहा था। इन्हें गुजरे हुए लगभग 20 साल हो गए थे। अब तो इनकी आवाज भी याद नहीं थी और चेहरा धुंधला धुंधला सा याद आता था। कभी भूलने लगती थी तो तस्वीर उठाकर देख लेती। 20 साल पुराना दुख कब का हल्का पड़ चुका था। फिर यह सफेद साड़ी और उजड़े माथे का दिखावा मैं किसके लिए कर रही थी? मेरा मन जानता है कि कितनी बार शेफाली की अलमारी से साड़ियां निकालकर बदन पर रख कर देखी होंगी मैंने। क्या दुख को पांव में बांधकर सारी जिंदगी घसीटते रहना सही है? क्यों मैं भी ये सोचती रही कि उसको रमन के दुख में जीवन बिता देना चाहिए? इनके जाने के बाद मैंने अपना अकेलापन कैसे ढोया है मैं ही जानती हूं। रमन बड़ा हो चुका था, इंजीनियरिंग पूरी होने को आई थी, पर फिर भी मेरे मन में दोबारा शादी करने के ख्याल घर करने लगे थे। लेकिन मैं अपनी खुशी के बारे में सोच ही न सकी। भाभी से मन की बात कही थी तो उन्होंने मुंह पर हाथ रख दिया था। आहिस्ता बोलो जीजी, ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या आपको? लोग क्या कहेंगे? अपने बेटे की शादी कराने की उम्र में खुद मेहंदी रचाने चली हैं? उनकी बातों ने मन के सारे महल धराशायी कर दिए थे। आज वही बातें मैंने शेफाली को सुना दी थी। शाम को वो घर लौटी तो मेरे कमरे की ओर नहीं आई, सीधे जाकर बेडरूम में लेट गई। मीरा ने चाय की प्याली थमाई तो मैंने ही पूछ लिया, माँ ने चाय नहीं बनाई आज? उनकी तबीयत ठीक नहीं मालूम हो रही। मैंने प्याली मेज पर ही रख दी। अंधेरा घेरने लगा था। उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई थी। माथे पर कोहनी टिकाए लेटी हुई थी। मैं सरहाने जाकर बैठ गई। माथा छुआ तो कोयले सा तप रहा था। माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया चाय नहीं पियोगी? उसने मेरी गोद में सर डाला और नन्ही बच्ची की तरह फूट फूट के रोने लगी। क्या उसका बचपन से कभी मन ना किया होगा कि अपनी माँ की गोद में सर रख के रोती रहे? मैं निष्ठुर कठोर पत्थर दिल अपने ही ढकोसलों को सच मानकर उन पर अड़ी रही और ये बच्ची उस ममता को न जाने कब से तरसती रही। आज उसकी माँ होती तो क्या ऐसे ही मना करती? या मेरा रमन होता तो क्या मैं उसको रोकती? आज तक शायद मैं शेफाली को सिर्फ रमन की पत्नी ही समझती रही। जब ये बहू वाला रिश्ता खत्म करके बेटी बनाने की बात आई तो मैं क्यों पीछे हट रही थी? क्या इसलिए कि हम बेटियों से ज्यादा बहुओं पर पाबंदियां लगाते आए हैं? उसे मैंने हमेशा बहू, पत्नी या माँ के रूप में देखा था। कैसे मान लेती कि वो औरत भी है? जो आजादियां मुझे ना मिल सकी मैं उसे इतनी आसानी से कैसे दे देती? और जिन्हें मैं आजादियां या मनमानियां समझती आई हूं, क्या वो एक इंसान के जीने के बुनियादी अधिकार नहीं है? मुझे पता नहीं चला कि कब आंखों में आंसू जमा हो गए और बहने भी लगे। मेरी नजर उसके गले में पड़े नीले पत्थर पर जम गई।
रमन ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में उसने ये शेफाली को तोहफा दिया था। न सोना था न चांदी था, पर बीते 18 सालों में उसने ये पत्थर कभी नहीं उतारा। न किसी जेवर से छुपाया, न किसी कपड़े से ढका। बड़ी शान से वो ये नकली पत्थर गले में पहनकर घूमती रही थी। प्यार को हर कोई अपने तरीके से महफूज कर लेता है, उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। आज मैं बड़ी मुक्त महसूस कर रही थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो कहने लगी, आप अब भी मुझसे नाराज हैं मां? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम पर ये उजड़े रंग बिल्कुल नहीं जचते। वो लाल सूट जो पिछले हफ्ते आया है, वो खरीदा है या तोहफा है किसी का? वो शर्मा के हंसने लगी, खिलखिला कर हंसती रही। बेबाक ठहाके की ऐसी हंसी गूंजती रही घर में कि मिश्राइन होती तो पूछने चली आती, बहू के बड़े ठहाके सुनाई देते हैं मोहल्ले में। बस इतनी सी थी ये कहानी।